गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश क्लास। क्लास एट्थ के बच्चों को देखो, मैं आप एडवर्ब समझा रही हूँ। यहाँ पे प्लीज़ फोकस करें, ये हमारा पेज नंबर 24 है और ये नंबर 5 पे है एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस माने भी रिजल्ट होता है, परिणाम। ओके, तो क्या बताया गया है, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाई द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट जनरली प्रीसीडेड बाई सो और सच। दैट वर्ड जो होता है वो जनरली सो और सच से प्रसीड होता है इन द मेन क्लॉज के अंदर, बट द कंजंक्शन इज समटाइम्स, लेकिन जो कंजंक्शन होता है वो समटाइम्स अंडरस्टूड क्या बोल सकते हैं कब समटाइम्स ही वो अंडरस्टूड होता है। जैसे कि ही इज़ सो गुड दैट एवरीबडी लाइक्स हिम, मतलब वो इतना अच्छा है कि हर कोई उसको पसंद करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा तरीके से क्लॉज यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है और कॉन्सिक्वेंसेज है। तो अब देखिए, दैट यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी वर्ड दिया गया है और जॉइनिंग वर्ड भी आप कैसे इसे कह सकते हैं, दैट एवरीबडी लाइक्स हिम, कि हर कोई इसको लाइक करता है। तो दैट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है और ये जो है रीज़न है या कॉन्सिक्वेंस है, उसकी अच्छाई का परिणाम क्या है कि उसको हर कोई पसंद करता है। समझ में आया, ये उसका रिजल्ट है, उसके अच्छे होने का रिजल्ट क्या है कि हर कोई उसको लाइक करता है। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, आई स्पोक इन सच अ वे दैट ही अंडरस्टूड मी, मैं इस मैनर में या इस तरीके से बात करती हूँ या इस तरीके से बात करता हूँ कि वो मुझे समझता है। तो ये अच्छे बोलने का नतीजा है, ये अच्छे बोलने का परिणाम है कि वो मेरी बात को समझता है। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, शी वॉज सो वीक दैट शी कुड हार्डली स्टैंड, मतलब वो इतनी कमज़ोर थी कि वो मुश्किल से ही अपनी जगह पे खड़ी हो सकी। तो उसकी कमज़ोरी की वजह से वो मुश्किल से ही स्टैंड आउट कर पाई या स्टैंड कर पाई। ओके बेटा, तो ये सब के सब जो क्लॉजेज हैं ये देख सकते हैं आप, तीनों सेंटेंसेज में दैट से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट बता रहे हैं। नाउ सी द सिक्स्थ वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या होते हैं, ये वो क्लॉज होते हैं, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाई द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि इफ है, अनलेस है और आपके वेदर है, इन सब वर्ड से, इन सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे ऊपर वाले में दैट से इंट्रोड्यूस हो रहे थे, इसी तरीके से इफ या वेदर से ये इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि इफ आई मेक अ प्रॉमिस आई कीप इट, इफ से इंट्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैंने कोई प्रॉमिस किया तो आई विल कीप इट। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। कंडीशन मतलब क्या कंडीशन है, किसकी वजह से जो है कि इफ कंडीशन को शो कर रहा है, इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस, अगर मैं एक प्रॉमिस करती हूँ या अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ तो आई विल कीप इट या आई कीप इट, मुझे इसे पूरा करना है। यू मस्ट गो, आपको जाना ही है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, भले ही आप चाहें या ना चाहें। तो ये क्या है, कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर इफ से इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस जगह पे वो वेदर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। नोबडी कैन सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, कोई भी सफल तब नहीं हो सकता जब तक कि, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा सफलता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्लॉज ऑफ कंपैरिजन क्या कहलाता है, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन आर इंट्रोड्यूस बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन, ये देन से इंट्रोड्यूस होता है और ये रिलेटिव एडवर्ब में, जैसे कि ही इज़ वाइजर देन आई थॉट, ये कंपैरिजन की है एक पर्सन की दूसरे पर्सन से, तो इसे रिलेटिव एडवर्ब में इसके इस तरीके से यूज़ हुआ है। देन कंपेरेटिव डिग्री में जैसे हम देन लगाते हैं, उसी तरीके से कंपैरिजन यहाँ पे यूज़ करा गया देन की तरीके से, आई थॉट शी इज़ यंगर देन शी लुक्स, ठीक है, यंगर देन शी लुक्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन की गई है, उसकी कंपैरिजन, उसके यंग होने की कंपैरिजन उसके दिखने से की गई है। ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज़ यू थिंक, तो कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वो आपकी सोच के हिसाब से इंटेलिजेंट नहीं है। तो कंपैरिजन की है, यानी कि आपकी सोच थोड़ी ज़्यादा बड़ी है लेकिन उसकी इंटेलिजेंस उतनी नहीं है। ही इज़ एज फुलिश एज ही इज़ लेज़ी, मतलब वो उतना ही बेवकूफ़ है जितना कि वो मूर्ख है, जितना कि वो आलसी है, वो उतना ही मूर्ख है जितना कि वो आलसी है, यानी कि उसकी मूर्खता में और उसके आलस में समानता है। तो आप देख सकते हैं देन देन एज ये जो इंट्रोडक्टरी वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमारे बताते हैं कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन दिया गया है, तो रिलेटिव एडवर्ब में हम इनको यूज़ करते हैं। समझ में आया, अगला देखिए, द वर्ब ऑफ द क्लॉज ऑफ कंपैरिजन इज ऑफन नॉट एक्सप्रेस्ड, कहते हैं देखो ध्यान से, द वर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ कंपैरिजन
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन की जो वर्ब होती है वो ज़्यादातर कभी कभी एक्सप्रेस नहीं होती है, लेकिन उसको समझा जा सकता है। जैसे कि क्या, शी वर्क्स हार्डर देन लीला, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डज जो है वर्ब है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं की गई है, जहाँ पे उसको वर्क ऑक्यूपाई कर गया, ठीक है, यहाँ पर उसको वर्क ऑक्यूपाई कर गया इस तरीके से। ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर, तो यहाँ पे इस जो है वो क्या है, उसके फादर के लिए, देखिए आप देखिए, मतलब वो इतना बड़ा इतना लंबा है जितने कि उसके फादर हैं। तो ये आपको दोबारा समझा देती हूँ, द वर्ब ऑफ द क्लॉज ऑफ कंपैरिजन इज़ ऑफन नॉट एक्सप्रेस्ड, कभी कभी वर्ब जो है कंपैरिजन वाले क्लॉज में एक्सप्रेस नहीं की जाती है, लेकिन उसको समझा जाता है, लेकिन उसे खाली समझा जाता है। जैसे कि इसमें आपको समझा दिया है कि यहाँ पर डज का काम हो रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पर इज़ का वर्ब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से इज़ नहीं लगाएंगे, एक बार इज़ लगा दिया तो दोबारा से इज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। आप ये वाला इज़ ना समझें, इसके बाद अगर इज़ होना चाहिए था तो वो इज़ नहीं लगाए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी देखिए आप, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं, ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाई द सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक एज इफ या फिर एज डो। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, डू एज यू लाइक, मतलब जैसा चाहें वैसा काम करें, एज यू सो सो शैल यू लुक, जैसा काट बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ही वॉज टॉकिंग एज इफ ही वर मैड, ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो पागल हो। एज फार एज आई नो ही इज़ डिसऑनेस्ट पर्सन, जितना मैं उसको जानता हूँ या जितना मैं उसको जानती हूँ वो एक बेईमान व्यक्ति है। ही बिहेव्ड एज दो ही वर द प्रेसिडेंट, मतलब वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो प्रेसिडेंट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ किए गए सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगला आप एक और देख लीजिए, लास्ट वाला, वो है आपका एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन। अभी क्या होता है, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन और सपोजिशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाई द सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आप कह सकते हैं लाइक दो और सपोज करना, मान लेना, ठीक है, इवन इफ, इससे हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑल दो वी वर लेट, यद्यपि हम लेट थे, वी कॉट द ट्रेन, फिर भी हमने ट्रेन पकड़ ली, भले ही हम लेट थे लेकिन हमने फिर भी ट्रेन पकड़ ली। ऑल दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, भले ही कंडीशन जो भी हो, स्थिति जो भी हो, रीज़न जो भी हो, फिर भी वो ईमानदार है। ही विल कम इवन इफ इट रेन्स, भले ही, मान लो, इसको इमेजिन भी कर लो, ठीक है, जो भी हो। तो ये क्या है, ये सपोजिशन है, ये कंसेशन है, ठीक है, एक नेचुरल कंडीशन, ये आप कह सकते हैं एक इमेजिन जिसके बारे में कर सकते हैं, जिसके बारे में, वो सपोजिशन में आता है। और ये जो है आपके सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आप ध्यान रखिए, इसमें ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं, दो, ऑल दो, इवन इफ, ए सब। ऑल दो आई टोल्ड हर नॉट टू डू इट, यद्यपि मैंने उसे मना किया था इस काम को करने के लिए, या फिर भी उसने इस काम को कर लिया। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है जो आज मैंने बनाया है वो आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट टर्न पे सेंड करेंगे। आज की वीडियो बस इतना है।